नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी विन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों मैं जो मैच कवर करने वाले हैं आयरलैंड बोन्स T20 का फर्स्ट मैच है जो कि दोस्तों पे खेला जाएगा। DG बोन्स वैसे TYP बोन्स टीम्स के बीच डिप्लेंस करेंगे स्पीड ऑन फुल स्टार्स पर्सन फो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके आपने शुरुआत करना, आपका एक लाइक हमें उत्साहित करता है कार्य करने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली मैचेस की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों जो हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आपने जल्दी से आके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करके भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पे जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 18,600 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है और उसी को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों बात कर लेते हैं मैच की। तो मैच अब से कुछ देर बाद दोपहर में 3:30 से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है द लॉन वेलिंगटन आयरलैंड के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों एक विकेट की, तो यहाँ का विकेट ओवरऑल बैलेंस रहता है, लेकिन दोस्तों वुमेंस के मैचेस में ज्यादा स्कोरिंग नहीं होती है। आप 20 ओवर में 100 से 120 तक स्कोरिंग देख सकते हैं। तो आपकी टीम में दोस्तों बॉलर्स थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो मेन बॉलर हैं जिनके 4 ओवर डालने के पूरे चांसेस हैं, आपने उनको अपनी टीम में कवर करना है। प्लस आपने ऐसे ऑलराउंडर्स को ज्यादा प्रेफर करना है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हों, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि वुमेंस के मैचेस में कोई बल्लेबाज मिडल ऑर्डर बैटिंग भी करता है और प्लस बॉलिंग 3-4 ओवर करता है, तो आप उसे कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग भी ईजिली आ जाएगा और साथ में बॉलिंग तो उससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देखे जाएगा ही। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं डीजी टीम्स की। तो यदि बात करें दोस्तों हम दोनों टीम में स्ट्रॉन्ग टीम की, तो दोस्तों जो डीजी की टीम है थोड़ा सा मुझे कमजोर नजर आ रही हूँ। दोस्तों जो यहाँ पे दूसरी टीम दिख रही है टाइफून्स वुमेन्स TYP वुमेन्स की टीम, ये टीम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। इनके पास अच्छे प्लेयर ज़्यादा हैं और आयरलैंड की इंटरनेशनल टीम के प्लेयर भी इस टीम में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये टीम थोड़ा सा मजबूत है। तो आप उनको फेवरेट मान सकते हो, 5-6 का कॉम्बिनेशन ट्राई करिएगा, क्योंकि DG की टीम भी ठीक ठाक है, इनकी टीम में भी ठीक ठाक से प्लेयर हैं, लेकिन मजबूत वहाँ पर TYP ही रहने वाली है। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे DG की तरफ से लेह पॉल, इनके साथ ओपन करने आ सकती हैं सारा प्रॉप्स। बात करें दोस्तों लेह पॉल की, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेग स्पिन कराती हैं। 23 T20 इंटरनेशनल मैच के अंदर दोस्तों जो इंटरनेशनल प्लेयर इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले हुए हैं या फिर डोमेस्टिक T20 भी खेले हुए हैं, तो मैंने उनके T20 के स्टाइल लिख दिए हैं। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अभी तक T20 नहीं खेले हुए या फिर 1-2 मैच ही T20 के खेले हुए हैं, तो उनके स्टैट्स दोस्तों हमने ODD की मेंशन किए। जैसे यहाँ से सारा प्रॉप्स हैं, इन्होंने अभी तक सिर्फ एक दो T20 खेले थे, इसलिए मैंने इनका ODD का स्टैट्स मेंशन कर दिया है। उसके लिए अमी हंटर हैं, ये भी T20 ज़्यादा मैचेस खेले नहीं, ODI खेले, तो इनका स्टैट्स है। कुछ प्लेयर T20 नहीं खेले हुए तो उनके ODD के स्टैट्स हैं, तो वो चीज़ सामने लिखी हुई है। जिनके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ वो स्टैट्स दोस्तों T20 के हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले से ही कर दे। तो लेह पॉल ने 23 T20 मैच के अंदर 149 रन किए हुए, 12 की ओवर से 19 विकेट हैं। ये प्लेयर आपको 4 ओवर की लगभग बॉलिंग करते हुए दिखेगी, प्लस ओपन करते हुए दिखेगी। कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है, अपनी टीम में जरूर लीजिएगा। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक उतना ज़्यादा सफल नहीं ले, लेकिन डोमेस्टिक की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ऑलराउंडर बन जाती है, डोमेस्टिक में ओपन भी करती हैं। हालांकि जब इंटरनेशनल टीम से खेलती हैं तो मिडल ऑर्डर खेलती हैं, क्योंकि वहाँ पे पास इनके पास ऑलरेडी ओपनर हैं, तो एक तरह से अच्छी विक रहेंगी। यहाँ पे अपनी टीम में जरूर रखें, कैप्टन भी बना सकते हो। सारा प्रॉप्स की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन लास्ट 13 ODD मैच के अंदर 9 मैच के अंदर 119 रन किए हुए हैं ODD में, तो ODD के अंदर 13 के एवरेज है। T20 के अंदर दोस्तों डोमेस्टिक लेवल पर इनका एवरेज अच्छा है, लेकिन जो अच्छे लेवल पर इन्होंने T20 खेले हुए हैं वहाँ पर बहुत बेकार एवरेज है। तो एक तरह से इस प्लेयर को आप ग्रांड लीग ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत स्लो खेलते हैं, यदि ओपनिंग करने आएंगे तो 10-12 ओवर तक टिक जाएंगे, तो 30-40 जरूर कर देंगे, क्योंकि वही 70-80 के स्ट्राइक रेट बैटिंग करते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं खेलती हैं, ठीक ठाक सी प्लेयर है। अपनी टीम में ग्रैंड लीग में जरूर एज अ प्लेयर रोटेशन में रख सकते हो, स्मॉल लीग में बहुत रिस्की ऑप्शन आएगी। वन डाउन मेरी करते हुए देख सकते हैं अमी हंटर, जो राइट हैंड बैट्समैन है। ODI मैचेस का स्टैट्स है इनका, T20 में कुछ खास नहीं था, 1-2 मैच का था, इसलिए मैंने T20 का नहीं मेंशन किया। 6 ODI मैचेस उन्होंने खेले हुए आयरलैंड के लिए, जहाँ पे उन्होंने 135 रन किए हुए हैं 27 की ओवर से। अच्छी बैट्समैन है, 1 डाउन के आसपास बैटिंग करना चाहिए, तो इनको भी अपनी टीम में आप जरूर ट्राई करिएगा। ऑल ऑलराउंडर कास्ट की बात करें, सिलेक्शन कम है, ग्रैंड लीग कैप्टन जरूर बनाइएगा। राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करती है, 17 T20 मैच के अंदर 150 करीब रन है, 12 की ओवर से 14 विकेट है। ये आपको लगभग 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, साथ में 2 डाउन के आसपास बैटिंग करेंगे। कैप्टन भी आप ग्रैंड लीग पर बना सकते हो, कभी कभार ओपन भी कर लेती हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो DG की टीम है इस टीम के लिए यही दोनों ओपन करती है, मैक्सिमम मैचेस में देखे गए हैं, लेकिन एक मैच पर पेंड्रागास्ट ने भी ओपन किया था लेह पॉल के साथ, तो चांसेस 80% में कह सकता हूँ सारा प्रॉप्स को ही ओपन करना चाहिए लेह पॉल के साथ। लेकिन ये भी हो सकता है लेह पॉल के साथ ओल्डर पेंड्रागास्ट भी ओपनिंग करने आ जाएँ, कोई भी कभी कभार डोमेस्टिक में बतौर ओपनर खेल लेती हैं। लेकिन 4 नंबर से नीचे नहीं जाएंगे,
यदि ओपन नहीं करेंगे तो फिर चार नंबर के आसपास खेलते हुए आपको नजर आएंगे। नंबर पांचवा बैटिंग ऑर्डर देख सकता है अलाना डेलजेल का, राइट हैंड बैट्समैन है, 8 ओडीडी मैच के अंदर 42 रन है, 0 विकेट है, एक आध दो मैच में बॉलिंग भी कर लेती है कभी कभार पार्ट टाइम, और साथ में एवरेज बैट्समैन है, सिर्फ ग्रैंड लीग स्मॉल लीग बहुत रिस्की है, स्मॉल लीग सीधे सीधे अपने छोड़ दे रहे हैं। एमी कोफील्ड की बात करें दोस्तों, लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलिंग करती है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 3 ओडीडी मैच के अंदर उन्होंने 46 रन किए हुए, 3 विकेट हैं, जिसमें से 2 मैच में उन्होंने बॉलिंग करा हुआ था और 3 विकेट एक ही मैच में इनको मिले हुए थे, तो कुछ और की बॉलिंग कर सकती हैं, साथ में दोस्तों आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। एज ए प्लेयर ठीक ठाक सी ऑलराउंडर है, मतलब 2-3 ओवर हो सकता है बॉलिंग भी कर जाए, साथ में यदि बैटिंग आ गई तो मतलब 15-20 रन बैटिंग से भी कर सकती हैं। निचले की दोस्तों है एल्सन क्वान, इनका एक ही मैच का स्टैट्स है लेकिन वहाँ पर 0 भी गई थी। मॉली डिवाइन की बात करें, 8 T20 मैच के अंदर 9 रन इन्होंने बनाए हैं, 4 विकेट हैं, और 8 में से शायद 5 या 6 मैच में बॉलिंग करा हुआ था, तो बॉलिंग भी कुछ और की करते हुए नजर आएंगे, तो जैसे बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हो, मान के लिए आप प्योर बॉलर है, बैटिंग बहुत नीचे रहता है, बैटिंग शायद नहीं आएगा, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। कारामुरे की बात करें, लेग स्पिनर ही आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, 13 मैच के अंदर 9 विकेट है और इंटरनेशनल लेवल का रिकॉर्ड है, बेहतरीन बॉलर हैं, 4 ओवर पूरी डालते हुए नजर आएंगे, आयरलैंड की इंटरनेशनल टीम से भी खेलती हैं जब भी मौका मिलता है, तो मस्ट पिक है, आपके टीम में कारामुरे भी होनी चाहिए। केट मैकाउ की बात करें, राइट आर्म मीडियम, 7 मैच में 3 विकेट हैं, एवरेज बॉलर है, सिर्फ ग्रैंड लीग रोटेशन ट्राई करिए, स्मॉल लीग रिस्क रहेंगे, जारा क्रुक को आप ले सकते हो स्मॉल लीग में, 9 मैच के अंदर 5 विकेट उन्होंने चटकाए हुए हैं, 2-3 ओवर डाल सकती हैं। तो दोस्तों इस टीम के मेन बॉलर कौन है जिनके अब देख लेते हैं, जो 4 ओवर डालते हुए नजर आएंगे, तो उसमें से एक तो ले पॉल है, ये अपने 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, दूसरे यहाँ से ओला पटर का स्टॉप हुई आपको 4 ओवर लगभग करते हुए नजर आएंगे, तीसरे बॉलर दोस्तों यहाँ पे नीचे चलेंगे तो आपको नजर आएंगी 2 बॉलर ही हो गए, तीसरे बॉलर नीचे आपको दिखेंगे कारामुरे, इनका भी 4 ओवर लगभग नहीं कटने वाला, तो कारामुरे हो गई, ओला पंडरगस्ट हो गई, ऊपर लेह पॉल हो गई, ये 3 बॉलर ऐसे हैं जो अपने 12 ओवर कन्फर्म डालेंगे, बाकी के दोस्तों जो 8 ओवर रहेंगे वो थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, क्योंकि किसका ओवर कटेगा, जैसे यहाँ से एमी कोफील्ड हो गई, मॉली डिवाइन हो गई, केट मकोई हो गए और जारा क्रेग हो गए, इन 4 बॉलर्स के बाकी 8 ओवर डिवाइड रहेगी, जिसमें से अच्छे खासे जो ओवर डालने चांसेस रहेंगे वो जारा क्रेग, एमी कोफील्ड और ऐसे मॉली डिवाइन के रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपके सामने फोन से डीजी बोन्स का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 लगभग, बैटिंग ऑर्डर भी लगभग आपको ही देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की जो दूसरी टीम है TYP बोन्स की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैच का फाइनल अपडेट फाइनल टीम टेलीग्राम पे दिया जाएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लास्ट मैच अपडेट और फाइनल टीम के लिए। दोस्तों इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रबिका स्टॉकल, उनके साथ ओपन करने आएंगे यहाँ पे रॉबिन शियरल। बात करें दोस्तों स्टॉकल की, राइट हैंड बैट्समैन है, 19 T20 मैच के अंदर 300 करीब रन, 17 के एवरेज, ओपन करती हैं, आयरलैंड की इंटरनेशनल टीम से भी खेलती हैं, मस्ट पिक है, ग्रैंड लीग में CBC ट्राई कर सकते हो यदि आप किसी बैटर्स को करना चाहते हो, क्योंकि बैट्समैन में सबसे टैलेंटेड बैट्समैन यही है, काफ़ी टैलेंटेड है, क्लास प्लेयर है, आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। इनके साथ ओपन कर सकती हैं रॉबिन शियरल, जो कि लास्ट वीक में कुछ मैचेस में टाइफून बोन्स के लिए ओपन किया हुआ है। दोस्तों ये प्लेयर साउथ अफ्रीका की है और साउथ अफ्रीका के लिए इसने 2 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले हुए थे, जहाँ पे इन्होंने 28 रन किए थे। हालांकि साउथ अफ्रीका की बोन्स इंटरनेशनल टीम में ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला, वहाँ पे काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर खेला हुआ था और 2 इंटरनेशनल मैच साउथ अफ्रीका की बोन्स टीम में डेब्यू भी किया, लेकिन अभी ये आयरलैंड से जुड़ चुके हैं और आयरलैंड के अंदर डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे हैं, और लास्ट मैच जो उन्होंने आयरलैंड टाइफून बोन्स के लिए खेला था वहाँ पर उन्होंने 24 रन का स्कोर किया था, तो विकेट कीपिंग से आप इनके साथ जा सकते हो, साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक लेवल पर प्लस साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल टीम के साथ खेलने का अनुभव है, तो रॉबिन शियरल कभी भी बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। तो ग्रैंड लीग में यदि आप किसी बैटर्स को कैप्टन बनाने के मूड में हैं तो आप इनको एक टीम में ट्राई कर सकते हो, नहीं अपने टीम में आज प्लेयर ही रखें, CBC मत बनाए, सिलेक्शन वैसे भी बहुत कम है, स्मॉल लीग पे भी आज प्लेयर रख सकते हो, आपके लिए टर्म कार्ड पिक साबित हो सकते हैं। लास्ट 2 T20 मैच के अंदर इनके नाम 28 रन है, 14 का बैटिंग एवरेज रहा है। लुइस लिटिल की बात करें, वन डाउन खेलते देख सकते हैं, लास्ट 3 मैच के अंदर T20 में 26 रन है, राइट हैंड बैट्समैन है, एवरेज ऑप्शन है, सिर्फ ग्रैंड लीग ट्राई करिए, स्मॉल लीग रिस्की रहेंगी। 2 डाउन बैटिंग करते हुए देख सकते हैं लौरा डेलानी, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर, इंग्लैंड की इंटरनेशनल टीम से भी आयरलैंड की इंटरनेशनल टीम से भी कैप्टनसी करती हैं और यहाँ पे भी इस टीम की कैप्टन है। 72 T20 मैचेस के अंदर 787 रन है, 18 का बैटिंग एवरेज है, 41 विकेट है, आपको 2 डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे, साथ में लगभग आपको अपने 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, कैप्टनसी के बड़ी ऑप्शन आपके लिए स्मॉल लीग पर रहने वाली है। नीचे देखेंगे दोस्तों मैरी वाल्ड्रन, राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर बल्लेबाज, 71 T20 मैच के अंदर 463 रन है, 12 का एवरेज रहा है, हालांकि एवरेज थोड़ा सा कम है, इंटरनेशनल लेवल के T20 मैचेस तो बहुत खेले हुए हैं, बीच बीच में मौका मिलता रहता है लेकिन अब उतना मौका नहीं मिलता है, और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफ़ी एज हो चुका है, काफ़ी टाइम से आयरलैंड में उसके लिए खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, आप ले सकते हो, आपके ऑप्शन रहेगा, जिसको सेफ जाना है तो मैरी वाल्ड्रन के साथ जाएं, जिसको रिस्क लेना है तो रॉबिन शियरल को भी अपनी टीम में आप इनकी जगह रख सकते हो, देखते हैं कीपिंग काउंट करता है उस हिसाब से ट्राई करेगा, कीपिंग करने के चांसेस हैं कि मैरी वाल्ड्रन के मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। जॉर्जियन डेम्पसी की बात करें दोस्तों, राइट हैंड बैट्समैन है और जो ODI मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं लास्ट के 6 वनडे मैच इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने 6 वनडे मैच खेले, वहाँ पर उन्होंने 70 रन किए हैं, 2 विकेट है, बैटिंग से बैकअप देती हैं, साथ में बॉलिंग करते हुए भी नजर आएंगी, कुछ ओवर की 2-3 ओवर डालते हुए देख सकती हैं, हालांकि T20 में उतना ज़्यादा सफल अभी तक नहीं रही हैं,
लेकिन अपनी टीम में एज ए प्लेयर ले सकते हो, वो बैटिंग के साथ साथ थोड़ा सा बॉलिंग बैकअप भी इनके साथ रहता है। बात करें दोस्तों क्लैश ट्रैक की, 22 T20 मैच के अंदर 45 रन है, 14 विकेट हैं, लास्ट में आकर थोड़ा हिटिंग कर सकते हैं, प्लस आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे लगभग 3 से 4, और बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं, जरूर ट्राई करिएगा। रॉबिन लुईस की बात करें, 10 मैच के अंदर ODD के अंदर 70 रन और 4 विकेट है, ठीक ठाक से विकेट, ग्रैंड लीग ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग रिस्की रहेंगी। अवा कैनिंग दोस्तों लास्ट 3 T20 मैच के अंदर 3 विकेट उन्होंने निकाले हुए, 4 ओवर पूरे डालेंगे, अच्छा लाइन लेंथ रहता है, अच्छा ठीक ठाक पेस जनरेट करती है, अच्छे लेंथ में बॉलिंग करती है, विकेट टू विकेट बॉल ज्यादा डालती हैं, मास्टर पिक है। अवा कैनिंग भी आपकी टीम में होना ही चाहिए। रवि का गप को आप छोड़ सकते हो, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, फ्रेश सरगंज का भी एवरेज रिकॉर्ड है 3 मैच में 1 विकेट। बेंच में कुछ प्लेयर हैं, ये लोग शायद आपको इस मैच में ना खेलते हुए नजर आए, तो दोस्तों आपके सामने TYP वो उसका परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इस मैच का टीम क्या, चले हम टीम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं और जो इस टीम के मेन बॉलर हैं जो अपने 4 ओवर डाल सकते हैं वो बॉलर देख लेते हैं। तो उसमें दोस्तों आपको जो 4 ओवर डालते हुए नजर आएंगे उनमें से एक लौरा डल रहे हैं, जिनके 3 से 4 ओवर डालने के अच्छे खास चांसेस हैं। हालांकि दोस्तों कभी कभार अपने नए बॉलर्स को मौका देने के चक्कर में अपने ओवर कट कर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम शुरुआत में 4 ओवर जरूर डालते हैं जो शुरुआत के मैचेस होते हैं, तो इनके 4 ओवर डालने के चांसेस हैं। दूसरे ऐसे कैस्टर लाइक हैं, ये भी आपको 4 ओवर डालते हुए नजर आएंगे। तीसरी अवा कैनिंग, ये भी आपको 4 ओवर डालते हुए नजर आएंगे। तो 3 बॉलर हैं जो अपने 12 ओवर लगभग कंफर्म करेंगे, बाकी दोस्तों जो 8 ओवर रहेंगे वो ऐसे डिवाइड रहेंगे, यहाँ से रॉबिन लुईस और यहाँ से रवि का गप सरगेंट और यहाँ से आपको हो गई आपको डेम्पसी, इन चारों के बीच बाकी के 8 ओवर डिवाइड रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस मैच का टीम क्या है, चलिए टीम देख लेते हैं, लेकिन फाइनल टीम आपको फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे दिया जाएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस मैच का टीम क्या है, चलिए टीम देखते हैं। दोस्तों बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो मैं रॉबिन सेरल के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन दोस्तों मैंने रवि का स्टॉकल, ओल्डर फंडरगास्ट और यहाँ से अमी हंटर को पिक किया हुआ। ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों मैंने लौरा डेलानी, ले पॉल और यहाँ से मैंने जॉर्जिना डम्पसी और रमन से ए कोफील्ड को पिक किया हुआ। बॉलिंग सेक्शन दोस्तों क्लैश ट्रैक और ऐसे सी मुरई और ऐसे अवा कैनिंग मेरी टीम में रहने वाली हैं। कैप्टन दोस्तों मैंने यहाँ से पिक किया हुआ है लौरा डेलानी को, वाइस कैप्टन दोस्तों ले पॉल है जिसको थोड़ा सा रिस्क लेना है, स्मॉल लीग में भी आप ओल्डर फंडरगास्ट को CBC के रूप में ट्राई कर सकते हो। तो 3 प्लेयर दोस्तों स्मॉल लीग में बेस्ट हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के, ग्रैंड लीग में भी मैक्सिमम टीम में इन्हीं तीनों कैप्टन वाइस कैप्टन आपने रखने हैं। इसके अलावा UGL पे आप CBC ट्राई कर सकते हो, ऐसे सी मुरई हो गए, इसके अलावा दोस्तों क्रिस्टल रैक होंगे, बहुत अच्छी विकेट टेकिंग बॉलर। बैटिंग से दोस्तों रवि का स्टॉकल हो गए, ये लोग को GL पे अच्छे CBC का ऑप्शन रहेंगे। बाकी अभी के लिए स्मॉल लीग का टीम यही है, अभी के लिए मैं इसी टीम से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, लेकिन दोस्तों फाइनल टीम नहीं है, आफ्टर टॉस में थोड़ा बहुत अपडेट भी हो सकता है। तो जो भी इस मैच का फाइनल टीम होगा आफ्टर टॉस टेलीग्राम से मिलेगा, लिंक दिया हुआ इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।